हाँ सब तैयार है, चलो निकलते हैं। अरे घर वालों हम लोग चल रहे हैं। राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। हाँ सब एक के पीछे एक आते चलो, है ना, शमशान की तरफ पहुंचना है। हाँ चलो चलो, हाँ मैं जल्दी से। राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। अरे अरे सुनो तो, अरे सुनो तो, क्या हुआ हांगेन काका? अरे कैसे हो गया ये सब, आपको पता नहीं? अरे कैसे पता चलेगा, मैं तो कई महीनों से बाहर शहर में हूँ, इलाज करा रहा हूँ। तभी पता नहीं कल अचानक गांव के बाहर मंदिर के पास वाले पेड़ पर इन्होंने आत्महत्या कर ली फांसी लगा के। आपके तो बड़े अच्छे दोस्त थे ना? अरे थे तो, मगर वो तो पुरानी बात है, कई समय से उसके साथ बातचीत नहीं थी। अभी मैं गांव आया तो पता चला, दौड़ता हुआ उसके घर गया तो पता चला तुम लोग शमशान को निकल गए हो, बस मैं भी पीछे पीछे आ गया। हाँ अच्छा किया नगेन काका, मगर तुम कौन हो बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं दीपू, आइए आइए। अरे ये लोग बहुत जल्दी चल रहे हैं, क्या आगे निकल गए हैं? बेटा एक काम करो, तुम उनके पीछे जाओ, मैं आता हूँ। काका ये रास्ता अंधेरा और सुनसान है, मेरे पास लालटेन है, मैं आपको लिए चलता हूँ, आइए। अच्छा काका एक बात बताइए, गांव के मंदिर से जो मूर्ति चोरी हुई थी उसमें इनका हाथ था क्या? अब मुझे कैसे पता चलेगा भाई, क्या पूछ रहे हो? नहीं काका आप उनके बहुत अच्छे दोस्त थे ना, क्या पता आपको पता हो इसी कारण उन्होंने आत्महत्या की हो। अरे मुझे नहीं पता भाई, मेरा इतना भी अच्छा दोस्त नहीं था। अच्छा ये लोग गए कहाँ, कोई दिख नहीं रहा है, लालटेन की रोशनी भी नहीं, हम बहुत पीछे रह गए क्या? हाँ लगता है यार शायद हम सही जगह आ गए। अरे ये कहाँ आ गए हम लोग, सच में तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अरे भाई मुझे कहाँ ले आए तुम? बिल्कुल सही जगह पे काका। हाँ ये शमशान का रास्ता कहाँ, ये तो गांव के मंदिर के पास, यही तो उसने आत्महत्या की थी। हाँ काका यहीं पर तो सारी बातें हैं। क्या क्या मजाक कर रहे हो, कौन हो तुम? देखिए ना जरा लालटेन की रोशनी में मेरा चेहरा। ये क्या सालों से जमीन में खड़ा हूँ ना, थोड़ा चेहरा सड़ गया है इसलिए ऐसा डरावना हो गया, पहचाना नहीं दीपू को? दीपू अरे भूल गए उस रात की बात? हाँ याद करो, आज से 10 साल पहले ऐसी एक रात में तुम लोग मंदिर के पीछे से मूर्ति निकाल रहे थे। निकाल। हाँ निकालो जल्दी अच्छे से, ये देखो संभाल के, गांव वालों तक बात नहीं जानी चाहिए। हाँ अच्छे से। अरे ये किनको पकड़ के ले आया है तू नगेन, बिल्कुल काम चोर है। अरे एक लात पड़ेगी सब काम करेंगे, करो करो। क्या करिए आप लोग? कौन? मैं दीपू, क्या करे आप लोग? ए मंदिर की जरा जीर्णोद्धार कर रहे थे बेटा, तुम जाओ घर जाओ। क्या घर जाओ, इसने सब कुछ देख लिया है, पकड़ो इसे। अरे अरे क्या कर रहे हो आप लोग, मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? तूने हमें मूर्ति चोरी करते हुए देखा है,
अब तो तू गया। नहीं नहीं देखिए देखिए मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा काका काका, आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं, मुझे मुझे छोड़ दीजिए। अरे क्या छोड़ दीजिए, अभी छोड़ेंगे तो गांव में जाके सब कुछ बांट देगा। नहीं नहीं मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, मैं यहाँ आया ही नहीं था, मैंने आप लोग को देखा ही नहीं, नहीं छोड़ दीजिए। छोड़ दो, कुछ नहीं कहेगा ये। कैसी बात कर रहा है हरेन, है गांव में जाके बता दिया तो। अरे मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ ना, वो नहीं बताएगा। नहीं 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 नहीं, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। क्या नाम बताया इसने? दीपू। मारो इसके सर में दो डंडा। अरे दीपू ही तो मूर्ति चुरा कर गांव से फरार हो गया है, समझा नहीं हरेन? नगेन तेरा दिमाग तो भेड़िए से भी तेज चलता है। ठीक है मारो उसे। नहीं नहीं काका काका मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, देखिए मेरे माँ बाप, मेरे माँ बाप क्या करेंगे, काका काका मुझे मत मारिए। पोड़ो पोड़ो, जमीन खोद के उसे वहां पाट दो बस, और मूर्ति लेके चलो। याद आया काका, दीपू जी बेटा बेटा मैं क्या करता उस वक्त, वो अरे नहीं तो सारी साजिश की थी और तूने देख लिया, इसलिए तुम लोगों ने मुझे मार दिया और बदनाम कर दिया गांव में कि मैंने मूर्ति चुराई है। 10 सालों से इस जमीन के नीचे तबे तबे सड़ा हूं, आज मौका मिला। पता है कल रात को तुम्हारा दोस्त इधर से जा रहा था, पकड़ कर उसे इस पेड़ पे टांग दिया, सबने समझा उसने आत्महत्या की। अब तेरी बारी। नहीं, मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। देख बेटा, देख बेटा, मैं मरना नहीं चाहता, जो कहेगा मैं कहूंगा। मैंने भी उस रात ऐसा ही कहा था ना, ऐसे ही गिड़गिड़ाया था। हाँ बेटा, तू गिड़गिड़ाया था, तुझे बातें भी मांगी थी मगर मगर हम लोगों की मत पारी गई थी, हम लोगों की मत पारी गई थी। और मुझे बदनाम जो किया, गांव वाले आदमी मुझे चोर समझते। अरे मैं गांव वालों को सब कुछ बता दूंगा बेटा, सब कुछ सच सच बता दूंगा, सबको बता दूंगा, पुलिस पुलिस में सरेंडर कर दूंगा, जेल चला जाऊंगा। मुझे मत मारो बेटा, बेटा देख मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, मैं बूढ़ा इंसान नाती पोतों के साथ थोड़ा दिन खेल कर ऐसे भी मर जाऊंगा बेटा, बेटा बेटा मुझे मत मारो, आप अभी तुम मरोगे तो मैं भी हाथों भर के बैठूंगा बेटा, बेटा मुझे मत मार, बेटा मुझे मत मार, मुझे मत। कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं। अरे हरीश, जाग रहा है क्या भाई? हाँ भैया, बस अभी उठा हूं, सवेरे सवेरे कैसे। अरे सुना नहीं क्या तूने, नगेन काका भी आत्महत्या कर ली उन्होंने। क्या आत्महत्या, ये हो क्या रहा है? पहले उनके दोस्त हरेन काका, नगेन काका, कैसे पता चला? अरे वो गांव की दादी माँ है ना, सवेरे मंदिर की तरफ पूजा करने गई और पेड़ पर उन्होंने लटका पाया, ठीक वैसे ही जैसे हरेन काका। चल क्रियाकर्म का इंतजाम तो करना ही होगा, पुलिस आएगी पहले, पंचनामा वगैरह हो जाए, पता नहीं गांव में हो क्या रहा है और उसी खास पेड़ के साथ क्यों, क्या पता भैया। चलो देखते हैं।